मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी घनी आबादी वाले इलाकों से घिरी हुई है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर की पंपिंग में कई गुना इजाफा हुआ है। हुकूमत हिंद के नारे कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स को सामने रखते हुए यूनिवर्सिटी ने बारिश के पानी की हिफाजत को यकीनी बनाया है। कैंपस में 28 बोरवेल्स हैं जो मुनासिब फासले पर तकसीम किए गए हैं, और हमने तमाम 28 बोरवेल्स के इर्द गिर्द 3 से 4 मीटर चौड़ा, कम से कम 1 फीट गहरा गढ़ा तैयार किया है। गढ़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये ऊपर की तरफ से पानी के बहाव को आसान बनाता है और निचले हिस्सों में पानी के ठहराव को मुमकिन बनाता है। इसे टिल्टेड बोल शेप्ड पिट कहा जाता है। इस तरह हमने बारिश के बाद चंद मिनटों में ही बहते हुए पानी को जमा होते देखा है। इनोवेटिव आइडिया यह है कि बहते हुए पानी को कई मकामात पर जमा किया जाता है और जगह जगह दोबारा चार्ज किया जाता है। ये कदम कैंपस में वाक़ तालाब के रिचार्ज के मुकाबले ग्राउंड वाटर रिचार्ज या परकुलेशन को बढ़ाएगा। तालाबों से हासिल होने वाले जायद पानी को कैंपस से बाहर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के इकदाम से हम न सिर्फ बारिश के पानी की हिफाजत की, बल्कि हमने कैंपस के अंदर इक्विफर्स को रिचार्ज करके उनका इस्तेमाल किया। इन तमाम बातों से यह साबित होता है कि कैंपस के ग्राउंड वाटर लेवल में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्टिफिशियल रिचार्ज डेर तकनीक कहते हैं। इस तकनीक से ग्राउंड वाटर कैंपस में ही रहेगा, स्लिटिंग बहुत कम होगी और सफाई या डिजिल्टिंग बहुत आसान होगी। दूसरे इदारे भी हमारे नक्श कदम पर चलते हुए इस कम खर्च तकनीक को बहुत कम तामीरी काम की मदद से अमल में ला सकते हैं।